नमस्कार दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऐसा पेपर है जिसमें कंप्यूटर साइंस से सवाल पूछा जाना है, जैसे कि बिहार STET या IBPS SO या RRB Scale to IT Officer या कोई भी ऐसा पेपर जहां पर कंप्यूटर साइंस से सवाल आना है, तो ये 25 क्वेश्चन का सेट आपको टेस्ट कर सकता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो आप इस सेट को लीजिए, जो भी आपका स्कोर आता है आउट ऑफ 25 आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 25 में मैं कहूँगा जिस तरह लेवल का क्वेश्चन मैंने डाला है मिक्स करके, थोड़े आसान से थोड़े मुश्किल से, तो 25 में अगर 15 तक आप कर पाते हैं तो ये अच्छा स्कोर कंसीडर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर आप जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन सभी आपके सामने, सभी ऑप्शन को पढ़ लिया होगा आपने, आप सही जवाब दीजिए इसको। इसका सही जवाब है ऑल अबव मेंशन डेटा राइट, 1 का डी आंसर। अभी दूसरे सवाल पर चलते हैं। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द, ब्लैंक स्पेस है, इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही जवाब होगा लाइब्रेरी। तीसरा सवाल है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा अपनी तरफ से, टाइम नहीं बिल्कुल, 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म कर देना 25 क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सभी को पढ़िए अच्छी तरह से और उसके बाद जवाब दीजिए। जिन लोगों ने कर्नल प्रोग्राम के बारे में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कर्नल के बारे में जानना, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का क्या रोल है। तीसरा का सही जवाब है सी, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तीसरा का सही जवाब है सी। चौथा सवाल है अभी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, विल बी हैंडल्ड, थोड़ा उसमें ग्रामेटिकल एरर हो गया लिखने में। चार ऑप्शन है आपके सामने, सही ऑप्शन को चुनिए। चौथा का सही जवाब है डी, ऑल अबव मेंशन्ड, 4 का आंसर है डी। पांचवें सवाल पर चलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर? ऑप्शंस को पढ़िए और सही जवाब दीजिए, जितना आपका सही गलत हो रहा है सब अपनी साइड पर आप नोट डाउन करते जाइए। इसका सही जवाब है ए, टू गेट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। छठा सवाल है, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन बाय, रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में। छठा का सही जवाब है सी, टाइम एंड स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग को अच्छे से पढ़ के जाना है। सातवां सवाल आपके सामने आ रहा है, 7th क्वेश्चन। इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन टू ए, कहाँ लिखाता है जो एरर इन्फॉर्मेशन होता है कोई प्रोसेस फेल होने पर? सातवां का सही जवाब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने कहीं से देखा है पहले, ये IBPS SO में मेरे ख्याल में पूछा गया है। 7 का सही जवाब है लॉग फाइल, 7 का ए। आठवां सवाल, विच फैसिलिटी डायनामिकली एड्स प्रॉप्स टू ए रनिंग सिस्टम बोथ इन यूजर प्रोसेसेस एंड इन द कर्नल? इसका सही जवाब है डी ट्रैस, 8 का जो सही जवाब होगा वो ए होगा, डी ट्रैस। अगले सवाल पर चलते हैं, 9वें सवाल पर चलते हैं, जितना भी आपका सही गलत हो रहा है अपनी साइड पर आप नोट डाउन करते जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जितने भी हैं प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको मालूम होना चाहिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। नाइन का सही जवाब है, नाम सही बहुत हद तक क्लियर था, 9 का सही जवाब है डी। दसवां का सवाल है, द ओएस एक्स हैज, दसवां का सही जवाब है बी, हाइब्रिड कर्नल।
ये आपको मालूम रहना चाहिए कि हाइब्रिड कर्नल क्या होता है, मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है। अगर मुझे कई साल का एक्सपीरियंस है मतलब कंप्यूटर साइंस टीचिंग का भी, तो मैं चाह रहा था कि एक वाइट बोर्ड लेके क्लासरूम शुरू करने के लिए इसका, पर स्टूडेंट अभी इतने नहीं है, इतने हमारे व्यूअर नहीं है कि हम शुरू कर सके। एटलीस्ट 1000 लोग भी एग्री करते तो हम वाइट बोर्ड से क्लास शुरू कर सकते थे। 11वां सवाल है आपके सामने, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम इज कॉल्ड। ग्यारहवां का सही जवाब है बी, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। 12वां सवाल आपके सामने आ गया, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स। सबको पढ़िए आप अच्छी तरह, जितने भी ऑप्शन हैं सभी प्रोसेस में सब कुछ होता जो यहां पर मेंशन किया है। 12वां का सही जवाब है डी। 13th क्वेश्चन आपके सामने, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। थर्टीन का सही जवाब है ए, फॉर्क। ठीक है, यूनिक्स के जो कुछ कॉमन से जो कमांड है ना वो आप पढ़ के जाइए, ज़रूरी है। 14th क्वेश्चन है, ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। ये भी क्वेश्चन ऐसा जो कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं, ये भी आसान सवाल है। इसका सही जवाब है 14th का सही जवाब है डी, ऑल एबव मेंशनड। 15वां सवाल आपके सामने आ रहा है, व्हाट इज रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। रेडी स्टेट क्या होता है प्रोसेस का, सभी ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन को पढ़िए, सही जवाब दीजिए। अपनी साइड पर आप नोट डाउन करते जाइए आप कितना सही कितना गलत हो रहा है। 15 या उससे ऊपर एक ठीक ठाक स्कोर है, आप कंपटीशन में हैं अगर आप 15 से या उससे ऊपर कर रहे हैं तो। 15वां का सही जवाब है ए, व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। 16वां सवाल आपके सामने आ गया, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस वर्ड्स को ध्यान से आप, इसका सही जवाब है बी, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। 17वां सवाल है, द सेट ऑफ प्रोसेस इज डेड लॉक इफ। डेड लॉक बड़ा कॉमन वर्ड है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा उनको भी मालूम होगा। इसका सही जवाब है 17th क्वेश्चन का सही जवाब है ई, ए ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। 18वां सवाल आ गया आपके सामने, ए प्रोसेस स्टैक डज कंटेन, ए प्रोसेस स्टैक डज कंटेन डज नॉट कंटेन, सॉरी। 18वां सवाल है, ए प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन। सभी चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब है 18वां का पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस डी। अभी 19वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 19वां क्वेश्चन है, विच सिस्टम कॉल रिटर्न्स द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ ए टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड चाइल्ड। इसका सही जवाब है ए, वेट। अभी 20वां सवाल आ गया आपके सामने, द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय। इसका सही जवाब होगा, 20वां का सही जवाब है बी, प्रोग्राम काउंटर। अब 21वें सवाल पे हम चल रहे हैं, सिर्फ 5 सवाल अब बचे, जो भी आपका स्कोर है आप नोट डाउन करते जाइए अपने एंड पे। विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम्स। इसका सही जवाब है ए, कोऑपरेटिंग सिस्टम, कोऑपरेटिंग प्रोसेस, सॉरी ए।
बाईसवां सवाल, 22nd क्वेश्चन, व्हेन सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस द सेम डेटा कॉन्करेंटली, एक बार में एक्सेस करता है, एंड आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, देखिए ऑर्डर पर डिपेंड करता है। 22वां का सही जवाब है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर जवाब पे आइए। इसमें से एक दो कंडीशन तो ऐसा है जो होता ही नहीं है। 22वां का सही जवाब है बी, रेस कंडीशन। 23वें सवाल पे हम चलते हैं, इफ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, नो अदर प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे, म्यूचुअल, क्रिटिकल, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला केस है। 23 का सही जवाब है ए। 24वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल, इसका सही जवाब है सी, सेमाफोर। ठीक है, सेमाफोर के बारे में एक बड़ा कॉमन टर्म है, सिंक्रोनाइजेशन टूल का जब बात आता है सेमाफोर का बात आता है। तो 24वां का सही जवाब हो गया सी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अभी मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आगे शेयर कर दिए जो भी आपके नोन है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। एक 15-20 मिनट का वीडियो बनाना हो तो 3-4 घंटा उसको क्वेश्चन को कलेक्ट करना, लिखना। तो इस वीडियो को जो भी आपके नोन है वहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और जो भी आपका अगर सजेशन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। वो अगर आप बात करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। 24 सवाल हो गया जी, लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। 25वां क्वेश्चन है, ए सेमाफोर इज ए शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल, सभी ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब दीजिए। पच्चीसवां का सही जवाब है ए, डैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो जीरो। ठीक है, 25 का सही जवाब है ए, ए सेमाफोर इज ए शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल डैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो जीरो। ठीक है जी, 25 क्वेश्चन हमारे यहीं पर पूरे होते हैं। और आपका कोई भी सजेशन है और ये कुछ भी आप चाहते हैं, किसी और टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम अभी 25-25 का सेट बना रहे हैं, 10-15 सेट इस तरह से बना देते हैं, और उसके बाद मैं 100-100 क्वेश्चन का भी सेट बना दूंगा। तो जितने भी लोग हैं STET वाले, या IBPS SO वाले, या RRB स्केल 2 IT ऑफिसर वाले, या कोई भी ऐसा पेपर जहां पर कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लगातार इस तरह के सवाल डालते रहेंगे। थैंक यू।